भी बढ़ जाएगी, डीपीटी बढ़ेगी तो चूषण दाब बढ़े अर्थात क्या नाम से जड़ों के द्वारा मूल रोम के द्वारा जल को ज्यादा अवशोषित किया जाएगा और इस पर किसी भी प्रकार की कोई ऊर्जा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस अवशोषण में जड़ अपना सीधा कोई रोल प्ले भी नहीं करती है। रोल प्ले देखा जाए तो देखिए रोल प्ले किसका है, पौधे के वायवीय भाग का। पौधे के वायवीय भाग जहाँ पत्तियां हैं मैक्सिमम संख्या में, उन पत्तियों से जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन होगा जड़े उतना ही ज्यादा जल का अवशोषण करेंगे। रोल किसका, पत्तियों का, वाष्पोत्सर्जन का। अवशोषण कौन करती है, जड़ें। जड़ का अपना कोई सीधा रोल नहीं है इसलिए ये निष्क्रिय विधि के अंदर आती है। ओके, समझ में आ गया होगा। अब सक्रिय विधि को फिर समझने की कोशिश कीजिए, इसका थोड़ा सा उल्टा करना है, एग्जांपल के साथ समझेंगे। सक्रिय विधि पहली बात तो ऊर्जा खर्च करनी पड़ सकती है ना, और दूसरी बात इसमें सक्रिय रूप से जड़ खुद अपना रोल प्ले करती है। अवशोषण में खुद जड़ की कोशिकाएं, मूल रोम की कोशिकाएं यानी स्वयं मूल कोई ना कोई दाब उत्पन्न करती है, कोई धनात्मक दाब उत्पन्न करेगी, कोई विभव उत्पन्न होगा उस विभव के द्वारा। और वो विभव कहाँ उत्पन्न होता है, जड़ की कोशिकाओं यानी जड़ का अपना सीधा रोल है अवशोषण में, सीधा जड़ का अपना रोल सक्रिय रूप से है तो सक्रिय विधि होगी। असमें मानी होगी यहाँ जड़ का अपना रोल नहीं था, वाष्पोत्सर्जन का था। वाष्पोत्सर्जन होता है पौधे की पत्तियों में, पत्तियों का और जड़ के बीच काफी अधिक डिफरेंस होता है, दूरी होती है, इसलिए निष्क्रिय विधि असमें मानी होगी है ना। वास्तव देखिए वाष्पोत्सर्जन चला तो पत्तियों की कोशिकाओं में डीपीटी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा आसपास की कोशिकाओं में डीपीटी बढ़ेगी। आसपास की कोशिकाओं की बढ़ती हुई डीपीटी धीरे धीरे कहां तक जाएगी, जड़ों की कोशिकाओं तक जाएगी, जड़ों के जाइलम तक जाएगी। जाइलम के बाद फिर लेटरली कॉर्टेक्स से होती हुई और मूल रोम की कोशिकाओं तक पहुंचती है, तब जाकर मूल रोम की कोशिकाएं निष्क्रिय विधि से जड़ का अवशोषण करती है इस विधि में। लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें क्या होगा, और देखिए ये भी है निष्क्रिय विधि सामान्य तौर पर चलने वाली विधि है, सामान्य तौर पर चलने वाली विधि है। और मैं ये कह रहा हूँ ज्यादातर जो जल का अवशोषण किया जाता है पादपों में वो इसी विधि के द्वारा। आपको कुछ मुख्य बिंदु याद रखने हैं, अधिकांश अवशोषण इसी विधि से होता है निष्क्रिय वाले से। अधिकांश अवशोषण तो ये होता है लगभग 92 से 94 तक। आपको बात देखेगा आंकड़े सीधे अंदाजा लगा सकते हैं हम। निष्क्रिय विधि वाष्पोत्सर्जन पर डिपेंड है, मूल का सीधा कोई योगदान नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर अधिकांश यानी जितना जल अवशोषित किया जाता है उसका मैक्सिमम पार्ट वो भी 92 से 94% 96 तक भी होता है कई बार है ना, इसी विधि से होता है। इसका मतलब बचा कितना सा 3-5% जो जल बचता है वो इतना सा जल सक्रिय विधि से अवशोषित किया जाता है पौधों के द्वारा। सक्रिय विधि में मूल का अपना सीधा संबंध है, दाब उत्पन्न करने से होता है, विभव उत्पन्न करने से होता है। दाब और विभव, विभव जहाँ बना इसका मतलब वहाँ एनर्जी खर्च हुई, और जहाँ दाब या विभव जहाँ उत्पन्न हो रहा है इसका मतलब वो सक्रिय विधि की, और मूल का भी अपना सीधा उसमें जो है योगदान होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब आपको ध्यान देना है ये जो सक्रिय विधि है ये आपको इतना याद रखना है कि जब काम में आती है यानी जैसे हम कह सकते हैं रात्रि के समय, या फिर हम कहें भाई जैसे वाष्पोत्सर्जन तो कम होता और कम हो रहा हो, वाष्पोत्सर्जन कम है ना और जल की मात्रा अधिक हो, इसका मतलब क्या हुआ, जब वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा, रात्रि में वाष्पोत्सर्जन नहीं हो रहा, इसका मतलब रात्रि के समय जब अवशोषण किया जाता है थोड़ी बहुत मात्रा में जल का, तो वो कौन सी विधि होती है, सक्रिय विधि है ना।
और जब जल की मात्रा तो खूब हो, अधिक मात्रा में हो जल और वाष्प उत्सर्जन चल नहीं रहा, उस स्थिति में स्क्रीन की काम में आती है, मूल दाब उत्पन्न करना पड़ता है। इसमें मूल का अपना सीधा रोड के लिए होता है, जबकि ये कब काम आती है दिन में, जब वाष्प उत्सर्जन को सूर्य का प्रकाश मिलता है, वाष्प उत्सर्जन अधिक मात्रा में होता है ना, तो उस स्थिति में ज्यादा ज्यादा मात्रा में जल को अवशोषित करना पड़ता है। ज्यादा मात्रा में करने वाली निष्क्रिय विधि है, जिसका संबंध वाष्प उत्सर्जन से वायु भागों से इस तरीके से है, यहाँ पर दाब उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इस लेसन के अंदर इतना पढ़ेंगे, ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कल हम जल जो अवशोषित किया जाता है वो किस रास्ते से, किस मार्ग से और किस प्रकार से आगे तक पहुंचता है, पौधे के सभी भागों में वितरित होता है, पहुंच पाता है, यानी जल का मार्ग पढ़ेंगे है ना, और इसको प्रभावित करने वाले कारक और असर के बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।